हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को प्रणाम, जोहार, सत श्री अकाल। और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे, ये ऑडियो सर्किट के बारे में है। ऑडियो सर्किट यानी आजकल लेटेस्ट में जो चल रहा है क्लास डी सर्किट में, और उसका ऑडियो क्वालिटी भी बहुत क्लियरिटी और मतलब सुनने में अच्छा लगता है, फटता नहीं है जल्दी। और मैं एक एम्पलीफायर दिखा रहा हूँ आपको, जो अपने से असेंबल किया हुआ है, हैंडमेड है, प्योर, आप देख सकते हैं उसको। तो देखिए, वीडियो में बने रहिए, और ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा यूट्यूब की ओर से, और जिसके मदद से आपको और अच्छे अच्छे जानकारी, अच्छे अच्छे नॉलेज शेयर कर सकता हूँ आपको। चलिए वीडियो में बने रहिए। डबल चैनल कंट्रोल है, डबल पोर्ट है, यहाँ से इनपुट दे सकते हैं। ये ब्लूटूथ से अभी चल रहा है, ब्लूटूथ से चलाइएगा तो स्टीरियो आउटपुट आपको मिलेगा, क्योंकि दो चैनल का है इसमें, लेफ्ट और राइट ऑडियो मिलेगा आपको, जो आपको सुनने में गजब का लगेगा, अच्छा लगेगा। राउंड आवाज़ निकलेगा, जो 3D वगैरह जैसे आवाज़ आपको मिल सकता है ओरिजिनल ट्रैक में, ओरिजिनल गाने में। तो देखिए, पीछे दो फैन दिया हुआ है, ये AC इनपुट है नीचे वाला वायर, और देखिए यह स्पीकर आउटपुट है, जो कनेक्टर भी कुछ अलग टाइप का दिया हुआ है। इसमें वायर इंसर्ट करके आप यहाँ से जो आउटपुट ले सकते हैं, देख सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो ब्लू क्लास डी का सर्किट है, इतना सा है, ये देखिए, यहाँ तक क्लास डी का ये कॉइल भी देख सकते हैं आप। ये जो है IR2110 बेस्ड सर्किट है, ये सब जो आप जानते होंगे, IR2110 प्लस वो 4049 और TL071, ये इसका कॉम्बिनेशन है IC का। और ये एक टाइप का स्विचिंग एम्पलीफायर भी बोला जाता है इसको, देख सकते हैं। दोनों सेम टू सेम PCB में माउंट है यहाँ पर। और ये PCB आप अगर लेना चाहते हैं तो ये अमेज़न में भी मिलता था, अभी भी मिल सकता है, आप ट्राई कर लेना, चेक कर लेना। मैंने अमेज़न से ही ये दोनों PCB लिए थे, और कई लोग भी PCB बेचते हैं, यूट्यूब वगैरह में देखिएगा तो मिल सकता है आपको, कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अभी ये रनिंग ऑन कंडीशन में है, देख सकते हैं आप। ये जो LED दिया हुआ, ब्लू LED, ये आपका स्विचिंग ऑन सिग्नल दे रहा है, मतलब ऑन का, ठीक है, ये ऑन सिग्नल दे रहा है। और इधर SMPS भी देख सकते हैं, प्योर देसी हैंडमेड है, जो डॉट बोर्ड में बना हुआ है। ये सेल्फ स्विचिंग, सेल्फ ऑसिलेशन टेक्निक से हमने खुद से ही तैयार किया है, और ये प्रॉपर आपको 1200 वाट आराम से दे देता है। डिपेंड करता है आपका ये ट्रांसफार्मर साइज और जो MOSFET या IGBT लगाते हैं उसका पावर और एम्पेयर वोल्टेज के हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा ये SMPS में, देख सकते हैं। प्योर डॉट बोर्ड में बना हुआ है ये SMPS, देख सकते हैं, अभी ऑन है, हाथ नहीं दे सकते हम, AC दिया हुआ है इसमें, देख सकते हैं, प्योर हैंडमेड है। ये PCB खरीदा हुआ है, डॉट बोर्ड है, और ये एक सेल्फ अपना डिज़ाइन है और अपने से बनाया हुआ है। तो खास बात ये सब एम्पलीफायर का ये होता है कि मान लीजिए आप यहाँ पर ये SMPS आप 1000 वाट का लगाए हैं, 1200 वाट का लगाए हैं, तो आराम से आपको 10% लेस करके जो है आराम से टोटली आउटपुट आपको ये ऑडियो सर्किट जो है ऑडियो में कन्वर्ट करके दे सकता है। हाई एफिशिएंसी का मतलब ये है, करंट लॉस आपका 5 से 10% ही रहता है। मान लीजिए आप 1000 वाट देते हो इसको इनपुट AC में, तो आप 100 वाट छोड़ के 900 वाट तक आप आउटपुट ले सकते हैं, जबकि ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर में इस तरह नहीं होता है। ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर में आपको अगर आप 1000 वाट देते हैं इनपुट, तो आपको करीब 600 से 700 वाट ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है, बाकी जो है वो हीटअप के थ्रू या और मतलब उसका एफिशिएंसी इसके मुकाबले कम है,
60 से मैक्सिमम 70% जा सकता है, पर इसका आपको 80 से ऊपर ही आएगा, 90-95% तक जा सकता है। अगर डिपेंड करता है डिजाइन पे, आप किस तरह डिजाइन किए हैं, और ये टोटली कंपोनेंट एक एक सारे अपने से माउंटेड है, सब अपने से लगा हुआ है, तो इसमें आपको एक जरा सा भी हीटअप इशू नहीं आएगा। ये जो बोर्ड है क्लास डी में IR2110 बेस्ड, अगर आप सही से असेंबल किए इसको, तो ये हीटअप का इशू ही नहीं है इसमें। आप ये दो ही मॉस्फेट इसमें लगा हुआ है, दो ही मॉस्फेट में जो है आप इजीली 1000 वाट के आसपास आप आउटपुट ले सकते हैं इजीली, और ये हीटअप इशू भी नहीं आएगा। और इस सर्किट को आप जो है 30 वोल्ट से ले करके 120 और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन डिजाइन में थोड़ा चेंजेस आएगा। चेंजेस मतलब क्या, सारे कंपोनेंट आपको चेंज करने पड़ेंगे, वोल्टेज के अकॉर्डिंग आपको डालने पड़ेंगे कंपोनेंट। बाकी ये जो मेन कंपोनेंट वही रहेगा, कुछ रेजिस्टेंस और ये PF वगैरह, और ये यहाँ पर MOSFET, ये सब रेजिस्टेंस वैल्यू वगैरह, या इसका इंडक्टर का टर्न कम ज़्यादा होगा वोल्टेज के अकॉर्डिंग। आप कितने वोल्टेज पे डिजाइन कर रहे हो, ये सब आपको उसी तरह उसी टाइप से डालना पड़ेगा। मान लीजिए आप 50-50 में डिजाइन कर रहे हो, तो उसी हिसाब से ये कॉइल भी डालना होगा, ये रेजिस्टेंस MOSFET भी उसी टाइप का डालना होगा जो 50 वोल्ट पर सुटेबल चलता हो। एक्चुअल में MOSFET अगर आपका 100 वोल्ट का है, तो आप 50 वोल्ट में इजीली रन करा सकते हो, डिफेक्ट नहीं आएगा। और ये जो है अभी इसमें 260 MOSFET लगा हुआ है, IRF भी 260 आप जानते ही होंगे, बहुत पॉपुलर MOSFET चल रहा है। ये करीब 50-60 एम्पेयर का होता है और 200 वोल्ट का होता है। तो आप इस MOSFET पे मैक्सिमम 30 वोल्ट से लेकर के आप जो है 100 वोल्ट, 120, 30 वोल्ट तक आप डिजाइन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा ये डिजाइन नहीं होगा, मतलब प्रॉपर सर्किट नहीं चलेगा। 120-30 वोल्ट तक डिजाइन कर सकते हैं इसमें, दे सकते हैं 120 वोल्ट पे भी रनिंग करा सकते हैं इस सर्किट को, थोड़ा सा चेंजेस करके। मैं आपको दिखाऊंगा इसी टाइप का और भी एम्पलीफायर हमारे पास असेंबल्ड है, वो हमारा 160-0-160 और 180-0-180 पे रनिंग है। सेम यही टेक्निक IR2110 बेस्ड सर्किट है, और उसमें MOSFET अधिक लगा हुआ, सीमें तीन तीन है, चार चार है, वो सर्किट डिजाइन किया हुआ है। आप 160-0-160 हो गया, 180-0-180 में आप इजीली रन करा सकते हो, और वो सबसे जो है आउटपुट बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। और वो सब एम्पलीफायर आप उतना हाई वोल्टेज में डिजाइन एम्पलीफायर आप छोटे स्पीकर नहीं चला सकते, उसमें मिनिमम 1000 वाट से ऊपर का स्पीकर चलाओगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा, अन्यथा स्पीकर कट सकता है, जल सकता है। तो इसमें आप जो फिलहाल इसमें डिजाइन है, इसमें आप 400 वाट, 500 वाट के दो स्पीकर एक ही सर्किट से इजीली चला सकते हैं। इसमें वोल्टेज अभी अप्लाई किया हुआ है करीब 80-0-80 के आसपास अप्लाई है इसमें। आप एक बार इसका आवाज सुनोगे तो फिर आपको AB टेक्निक का एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर बेस्ड में, या H का X10 टेक्नोलॉजी का भी आपको पसंद नहीं आएगा आवाज़, क्योंकि इसमें क्लियरिटी बहुत ज़बरदस्त आता है। आप सुन के देखिए, आप होम ऑडियो में भी यूज़ करते हैं, आउटडोर में भी यूज़ करते हैं। आउटडोर में थोड़ा हाई वोल्टेज के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा आपको, मिनिमम 100-0-100 में से आपका आउटडोर के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस कर देगा ये। और सर्किट डिज़ाइन प्रॉपर एकदम सही होना चाहिए, अन्यथा आप परेशान हो जाओगे इस टेक्निक पे, क्योंकि थोड़ा सा भी फॉल्ट है या थोड़ा सा भी कुछ गलती मिस्टेक से ये जो है आपका टोटल सर्किट ख़राब हो जाता है, जल जाता है, MOSFET जलता है, IC जलता है, काफ़ी रेजिस्टेंस भी जल जाते हैं।
तो ये सब आप बहुत ही क्रिटिकल है, पर प्रॉपर डिजाइन रहने से आपको मजा ही आ जाएगा इस सर्किट में। देख लीजिए आप, और भी दिखाएंगे आपको हमारा बनाया और भी एम्पलीफायर, 3-4-5 मस्त एम्पलीफायर असेंबल्ड है, एकदम सेम टू सेम आपको देसी जुगाड़ के हिसाब से एकदम देख रहे हैं, प्लाई का ही बॉडी है। और इसका आउटपुट आपको बोल दिए, अभी तो ब्लूटूथ से आपको थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट ऑडियो है, बीटी बोर्ड भी लगा हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट ब्लूटूथ से आपको जो है इसमें इनपुट सर्किट को थोड़ा कम मिलता है, ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट को तो कम ही आउटपुट देगा। इसमें आपको मिनिमम 2 से 3 वोल्ट इसमें इनपुट दीजिए, मतलब ऑडियो सिग्नल 2-3 वोल्ट इनपुट दीजिएगा, तब आपको फुल आउटपुट इसका मिल सकता है इस टेक्नोलॉजी का सर्किट में, क्लास डी का IR 2110 बेस्ड में। तो चलिए फिर मिलते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझना है तो बेझिझक हमारे वीडियो पर कमेंट छोड़िए या व्हाट्सएप कीजिए, कॉल की कर सकते हैं, और हो सकता है कोई मिस्टेक हो या मेरे को कुछ गलत जानकारी हो तो वो भी मेरे को बता दीजिए, और आपको कुछ अधिक जानकारी है तो हमसे भी शेयर कर सकते हैं। बस और क्या, एक दूसरे से जितना आप शेयर करोगे आइडिया उतना ही आपका जो है बढ़ता है नॉलेज, ऐसा नहीं है कि सब अपने ही ऊपर रखेंगे, ऐसा नहीं होता है, जितना आप बांटोगे उतना ही नॉलेज आपका बढ़ते जाएगा। ये सब भी एक टाइप का शिक्षा ही है, शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है, जिस तरह शिक्षा जितना बांटोगे उस तरह उतना बढ़ता है, ये भी ये सब चीज़ भी वैसे ही है। तो पढ़े इंडिया बढ़े, इंडिया जैसे ही बात है, जितना अधिक नॉलेज होगा आपको उतना ही बढ़िया है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, कोई कन्फ्यूज़न है तो अवश्य कमेंट करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा लंबा हो गया।